जय हिंद। मैं अनिल साहू स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 10 CGPSC कोच में। आज का टॉपिक है हमारा करेंट अफेयर्स, और करेंट अफेयर्स में देखेंगे जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, चाहे पीएससी का एग्जाम हो चाहे व्यापम का एग्जाम हो। अभी जो पीएससी का एग्जाम होने वाला है पीएससी प्री का, या फिर आप जो फूड इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं पुरस्कार के बारे में, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में किसी भी एक भाषा के लेखक को यह दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में क्या करता है, उत्कृष्ट कार्य करता है, मतलब साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट रचना के लिए उनको क्या दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो यह भारत में साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इसको प्रदान किया जाता है। मतलब भारत में जो है साहित्य का यह सर्वोच्च सम्मान है और इसमें जो है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, दिसंबर 2021 के पूर्व वर्ष कोरोना प्रभाव के कारण से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो इसी के कारण से जो है दो वर्षों का पुरस्कार एक साथ ही अभी घोषित किया गया। ठीक है, तो 2020-21 के दो पुरस्कारों की घोषणा हुई है। वैसे प्रति वर्ष जो है एक ही, मतलब उस ईयर के लिए एक घोषित किया जाता है, लेकिन अभी क्या हुआ कोरोना के कारण से इस पुरस्कार को नहीं दिया गया था, इसलिए जो दो वर्षों का पुरस्कार एक साथ घोषित किया गया। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें क्या मिलता है, तो इसमें क्या मिलता है, तो इसमें जो है 15 लाख रुपए नगद मिलता है। इसके अलावा जो प्रशस्ति प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र इनको दिया जाता है। तो 15 लाख रुपए नगद दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020। ठीक है, तो इसमें जो है क्रम इम्पोर्टेंट है। 2020 का जो दिया गया, तो कितने क्रम का था ये, 56वां का नंबर का था ये, 56 नंबर का था 2020 का। पुरस्कृत व्यक्ति, तो पुरस्कृत व्यक्ति का नाम क्या था, तो नीलमणि फुकन। ठीक है, इसका क्या नाम है, तो नीलमणि फुकन नाम है। कौन से भाषा से आते, तो कौन से भाषा से आते, असमिया भाषा है, असम राज्य में जो चलती है आपका, तो असमिया भाषा के योगदान में है ना, तो असमिया भाषा के लेखक है। चर्चित रचनाएं, चर्चित रचनाएं है कविता और गुलाबी जामुन लग्न। ठीक है, कविता और गुलाबी जामुन लग्न, ये इनकी चर्चित रचनाएं हैं। ठीक है, ये है, तो ये है आपके, तो ये नीलमणि फुकन जी है ये। ठीक है, तो इनकी जो रचना है वो क्या है, तो क्या है आपका, कविता और गुलाबी जामुन लग्न। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपका नाम, क्योंकि ये जो असमिया भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये जो है कौन से नंबर का दिया, तो कौन से नंबर का दिया, 56वां नंबर का दिया। कौन से सन के लिए दिया गया, तो 2020 के लिए दिया गया। कौन से भाषा के लेखक है, तो असमिया भाषा के लेखक है। और इनकी चर्चित रचनाएं क्या है, तो कविता है, और इसके अलावा क्या है, गुलाबी जामुन लग्न इसकी चर्चित रचनाएं है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021। दोनों एक साथ घोषित हुआ, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो किसे मिला है, दामोदर मौजो जो गोवा के रहने वाले हैं। ठीक है, तो गोवा में भाषा क्या चलती है, तो वहां पर भाषा क्या है, कोंकणी। तो कौन सी भाषा के हैं, कोंकणी भाषा के क्या है, उपन्यासकार है। चर्चित रचनाएं, तो चर्चित रचनाएं क्या है, तो चर्चित रचनाएं आपका सुनामी, साइमन और कार्मेली। ठीक है, चर्चित रचनाएं क्या है, तो सुनामी, साइमन और कार्मेली इनकी चर्चित रचनाएं। ठीक है, यह है आपके, तो दामोदर मौजो जी। तो ये, तो इस समय जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दो वर्षों का एक साथ दिया गया। प्रति वर्ष जो है एक वर्षों के लिए एक दिया जाता था, कोरोना प्रभाव के कारण से प्रति वर्ष को छोड़कर यहाँ पे तो दो वर्षों का एक साथ दिया गया। तो कौन कौन से क्रम का दिया गया, तो कौन कौन, 56 और 57वें नंबर का क्रम का दिया गया। 56वें नंबर को किसका दिया गया, तो नीलमणि फुकन जी को दिया गया। ये कौन से भाषा के थे, तो असमिया भाषा के हैं ये। चर्चित रचनाएं क्या है, तो कविता और गुलाबी जामुन। इसके अलावा जो है आपका गजमुर लग्न। फिर 57वां, तो 57वां जो है किसको दिया गया, तो दामोदर मौजो को दिया गया। कहाँ के रहने वाले हैं, तो गोवा के रहने वाले हैं।
कोंकणी भाषा के ये उपन्यासकार हैं और इनकी चर्चित रचनाएं क्या है, तो सुनामी, साइमन ऑफ टर्मेल। तो ये जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब उसके बाद अगला पुरस्कार देखते हैं, व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान क्या है, तो भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा यह सम्मान है। ठीक है, भारतीय साहित्य के योगदान में दिया जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। पहला बड़ा सम्मान देखेंगे तो पहला बड़ा सम्मान कौन सा है आपका, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा बड़ा सम्मान किसको बोला जाता है, तो व्यास सम्मान को बोला जाता है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ के बाद जो दूसरा ये क्या है, सबसे बड़ा साहित्य का सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991 में बिड़ला फाउंडेशन ने किया था। ठीक है, शुरुआत कौन किया था, तो बिड़ला फाउंडेशन ने 1991 में किया था। ठीक है, अब इस पुरस्कार में 4,00,000 रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। कितना मिलता है इसमें, तो 4,00,000 रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। अब इसमें जो खास बात क्या है, तो ये जो है हिंदी भाषा के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा के जो लेखक है, साहित्यकार है, उपन्यासकार है, उन्हीं को ही ये दिया जाता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा के लेखकों को ये दिया जाता है। अब इस समय जो किसको मिला है, 31वां व्यास सम्मान 2021 को किसको मिला है, तो असगर वजाहत को मिला है। ठीक है, किसको मिला है, किसको मिला है, असगर वजाहत को मिला है। और इनकी रचना का क्या नाम है, तो इनकी रचना का नाम है महाबली। ठीक है, महाबली के लिए असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान 2021 मिला है। ठीक है, व्यास सम्मान होता क्या है, तो व्यास सम्मान जो है बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और यह साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा यह सम्मान। ठीक है, तो यह क्या है आपका, व्यास सम्मान। फिर आगे देखते हैं बुकर पुरस्कार। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार, तो यह बुकर पुरस्कार क्या होता है, तो ये जो है ये साहित्य का इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का मतलब जो है ये है हमारे देश में ही, दूसरे देश में तो कहां पे दिया जाता है, इसको आयरलैंड में दिया जाता है। तो बुकर पुरस्कार जो है अंग्रेजी भाषा के लेखकों को दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लेखकों को दिया जाता है ये। और किसको देते हैं, या तो वो आयरलैंड का हो या फिर कॉमनवेल्थ कंट्री के हो। ठीक है, आयरलैंड का हो या फिर कॉमनवेल्थ कंट्री के हो, तब इनको क्या दिया जाता है, बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ का मतलब क्या हुआ, जो भारत, भारत जैसे क्या कॉमनवेल्थ कंट्री, तो ऐसे देश जो कभी ना कभी जो है अंग्रेजों के उपनिवेश रहे हो या फिर अंग्रेजी सत्ता वहां पर रही हो, उसको क्या बोला जाता है, कॉमनवेल्थ। तो ये जो बुकर पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो अंग्रेजी भाषा के लेखकों को दिया जाता है, या वो आयरलैंड का हो या फिर जो है कॉमनवेल्थ कंट्री में से कहीं का हो। ठीक है, तो ये जो है किसको मिला है, तो किसको मिला है, ये दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुट ने 2021 का बुकर पुरस्कार अपने नाम किया। ठीक है, तो ये है डेमन गलगुट जी, तो इनको क्या मिला है, तो 2021 का बुकर पुरस्कार इसको मिला है। ठीक है, अब इनकी पुरस्कार तो रचना है ना, उपन्यास, इनकी उपन्यास का क्या नाम है, तो द प्रॉमिस। ठीक है, द प्रॉमिस के लिए इनको क्या मिला है, तो बुकर पुरस्कार इनको मिला है। पुरस्कार राशि, तो पुरस्कार राशि तो इसमें 50,000 पाउंड जो है इसकी पुरस्कार राशि है। ठीक है, जो 50,000 पाउंड इस पे पुरस्कार राशि दिया जाता है, अंग्रेजी भाषा के लेखक को दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लेखक को इसको दिया जाता है। तो ये क्या है आपका, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सीधा ये क्वेश्चन बनता है कि बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला, तो बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला, तो देवन गलगुट को मिला। कौन से देश के रहने वाले हैं, तो कौन से देश के रहने वाले हैं, दक्षिण अफ्रीका देश के रहने वाले हैं। ठीक है, अब इनका पुरस्कार मतलब इनकी उपन्यास का क्या नाम है, तो उपन्यास का क्या नाम है, द प्रॉमिस। ठीक है, उपन्यास का नाम क्या है, द प्रॉमिस। अब इसमें कितनी पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो 50,000 पाउंड पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार में अंतर क्या है। ठीक है, एक क्या है बुकर पुरस्कार और एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार में जो अंग्रेजी भाषा में जो उपन्यास लिखा गया है उसको दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में तो जिस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ठीक है, अंग्रेजी में मतलब दूसरी भाषा में उसको लिखा गया है, लेकिन उसका बाद में आगे चल के
उपन्यास पॉपुलर हुआ तो उसको क्या किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, तो उसको क्या दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो 2 जून 2021 को फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोम को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया, सम्मानित किया गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 2021 किसको दिया गया, तो किसको दिया गया, डेविड डियोम को दिया गया, यह है डेविड डियोम जी। अब इसमें जो है यह पुरस्कार जीतने वाले फ्रांस के पहले लेखक हैं, उन्हें यह पुरस्कार उनकी अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक, ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक के लिए मिला है। ठीक है, यह उपन्यास तो एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक के लिए दिया गया। ठीक है, वे पुरस्कार तो इसमें भी पुरस्कार राशि कितना है, 50,000 pounds है, तो 50,000 pounds की राशि को अनुवादक जिसने क्या किया, तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, तो उसके लिए जो है अन्ना मॉस्को वापिस के साथ इसको शेयर करेंगे। ठीक है, अन्ना मॉस्को वापिस के साथ इसको शेयर करेंगे, क्योंकि उपन्यास जो है इन्होंने लिखा है लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो इन्होंने किया है। ठीक है, तो यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है। ठीक है, काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो। ठीक है, तो ऐसा अनुवाद जो काल्पनिक कथा उपन्यास होता है और जिसका अनुवाद जो है अंग्रेजी में हुआ हो उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, वर्ष 2020 में यह पुरस्कार नीदरलैंड की लेखिका मारिका लुकास रिजनोवेड को दिया गया। ठीक है, 2020 में किसको दिया गया था, तो मारिका लुकास रिजनोवेड को, उपन्यास उनके उपन्यास का नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को पहले मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता था, अब उसको क्या बोलते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, जिसको 2005 से चालू किया गया। देखो, तो इसमें जो जितने भी पुरस्कार है ना, उसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है हमारे लिए, सिर्फ नाम को ही पूछा जाता है, कभी कभार पुरस्कार राशि को पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए अभी नाम और उनके उपन्यास का नाम ये इंपॉर्टेंट है, मतलब वह व्यक्ति और जिसके लिए उसको दिया गया। ठीक है, तो व्यक्ति कौन है, तो व्यक्ति का नाम क्या है, तो क्या नाम है, डेविड डियोम। ठीक है, इसको क्या मिला, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2021 इसको मिला। ठीक है, इनकी उपन्यास का क्या नाम है, तो एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक के लिए इनको दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनका नाम और इनकी उपन्यास यहाँ पे हमको याद रखना है। इसके अलावा पुरस्कार राशि, तो पुरस्कार राशि कितनी है, तो 50,000 pounds पुरस्कार राशि है। ठीक है, अनुवादक के साथ ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे। फिर अगला देखते हैं, रजनीकांत जी। तो रजनीकांत जी तो 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में, हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए उनको दिया जाता है। ठीक है, विशिष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को वर्तमान में किसको मिला है, तो 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार साउथ के सुपरस्टार, तो साउथ के नहीं है तो पूरे वर्ल्ड के सुपरस्टार है रजनीकांत जी, तो रजनीकांत को दिया गया है, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो यह हमारे लिए क्वेश्चन बनता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, तो कौन से क्रम में दिया गया और किसको दिया गया। ठीक है, तो कौन से क्रम में दिया गया, 51वें नंबर का, 51 नंबर का दिया गया, और किसको दिया गया, तो किसको दिया गया, सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया। ठीक है, अब इसमें जो है केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2021 को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 की घोषणा की। ठीक है, तो ये जो 51वां है, तो ये कितने नंबर, कौन सा है, तो 2019 का है। ठीक है, 2019 का है, 2019 का है, उसके बाद 2020 का बाद में बताएंगे, तो ये जो है सन जो बीत जाता है उसके बाद इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो 2019 का 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है रजनीकांत सर को दिया गया। ठीक है, सम्मान तो
सम्मान का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ था। ठीक है, 1969 में मतलब इस पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष मतलब 100 वर्ष होते तो उसको शताब्दी कहा जाता है। दादा साहब फाल्के तो इनके जो है जन्म के शताब्दी वर्ष 1969 में इस पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। पहला पुरस्कार, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है देविका रानी जी को दिया गया था। ठीक है, देविका रानी जी को दिया गया था। और उसके बाद 2018 का 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ठीक है, तो 50वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन का। 51वें नंबर का कौन है? तो रजनीकांत सर को दिया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।